की राय ले लेंगे कि क्या 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें चोरी मक्कारी हो सकती है। चोरी मक्कारी? अच्छा, एक बात की है कि जहाँ से ये ईवीएम मशीन प्रोडक्ट बनी है उस देश में बाइंड हो गई है, अब बैलेट से चुनाव हो रहा है, तो बताइए जब उस देश को विश्वास नहीं है तो यहाँ के लोगों को कैसे विश्वास होगा? बैलेट पेपर से होगा तो सही रहेगा। ऐसे में हमारे यहाँ देश में बहुत सारे हैकर बैठे हुए हैं कि जो मशीनों को हैक कर सकते हैं। क्या कह रहे चाचा? ईडीएम से होना चाहिए। ईडीएम से? हाँ। ईडीएम क्या? और क्या? ईवीएम। हाँ, ईवीएम और क्या? बता रहे हैक हो जाते हैं। ऐसे कैसे हैक हो जाएगा? बता रहे बेईमानी हो जाती है। कैसे बेईमानी हो जाएगी बताइए? हाँ, कैसे बेईमानी? अब तक बेईमानी नहीं, अभी नहीं हो रही। अगर बैलेट पेपर से हो जाइए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत क्या? चुनाव आने वाला ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर? चुनाव ही नहीं होना चाहिए। चुनाव नहीं होना चाहिए? इन्होंने बड़ी अलग बात बता दी, क्यों चुनाव नहीं होगा? सब भ्रष्टाचारी है, चाहे जाए सो ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से, जीते को नहीं मोदी के अलावा। लोकसभा 2024 का चुनाव भी बेहद नजदीक है, जनता की राय ले लेंगे कि क्या 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये लखनऊ की सबसे बड़ी दुबग्गा मंडी है, तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। पेपर से होना चाहिए। पेपर से? हाँ। क्यों, मशीन में गड़बड़ी लगती है? गड़बड़ी लगती है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है ऐसा। और गड़बड़ी लग रही है मशीन? बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या चुनाव किससे होना चाहिए, ईवीएम से या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें चोरी मक्कारी हो सकती है। चोरी मक्कारी? बैलेट पेपर तेरे? बैलेट पेपर से। ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? अब सब समझ में आया होता ही नहीं करी जनता के लिए। बेईमानी मक्कारी हो सकती है बेईमानी मशीनों से, वॉल्यूम पेपर से जो है मक्कारी नहीं होती है मैडम। पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से बेईमानी होती है? ईवीएम से बेईमानी। ईवीएम को हैक किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल किया जा सकता है। बैलेट पेपर से होना चाहिए, सभी को मालूम है। अच्छा, तो ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? ईवीएम में जो है बेईमानी हो जाती है ना, वो हैक हो जाती है मशीन। एवरीवन नोस ट्रूथ अबाउट ईवीएम। मशीनों द्वारा पड़ता है। मशीनों द्वारा होना चाहिए? हाँ, मशीनों द्वारा। बता रहे बहुत सारे लोग बेईमानी होती है मशीन। अरे बेईमानी कैसे होती है, मशीनें का बीजेपी वाले हैक कर लेते हैं। अरे उनका बतावा नहीं कैसी तैसी, उनका क्या मालूम है भाई मशीन। भाई साहब के हिसाब से ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? हाँ, मशीनों के हिसाब से होना चाहिए। बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, बैलेट पेपर से नहीं। नहीं, उसमें गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी होती है मानते हैं, आपके हिसाब से क्या सर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से। चलिए, तो मंडी में मौजूद है, लोगों की राय ले रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और भी लोगों की राय लेते जाएंगे। बैलेट पेपर से। ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? वही से होना चाहिए, पेपर से। बहुत सारे लोग बता रहे ईवीएम हैक किया जा सकता है, उससे बेईमानी होती है, ऐसा मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। बैलेट पेपर से होना चाहिए आपके हिसाब? मेरे हिसाब से भी मैडम। 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत सारे लोगों की मांग उठ रही है कि ईवीएम बैंड होना चाहिए क्योंकि उसको हैक किया जा सकता है, आपके हिसाब से क्या? हमारे हिसाब से मैम बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए? ईवीएम से नहीं होना। ईवीएम को हैक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी कुछ हो सकता है। बैलेट पेपर से होगा तो सही रहेगा। ऐसे में हमारे यहाँ देश में बहुत सारे हैकर बैठे हुए हैं कि जो मशीनों को हैक कर सकते हैं, इसके लिए बैलेट पेपर बहुत अच्छा रहेगा। बैलेट पेपर से? एक नंबर। क्या कह रहे चाचा? ईडीएम से होना चाहिए। ईडीएम से? हाँ। ईडीएम क्या? और क्या? ईवीएम। हाँ, ईवीएम और क्या? बता रहे हैक हो जाते हैं। ऐसे कैसे हैक हो जाएगा? बता रहे बेईमानी हो जाती है। कैसे बेईमानी हो जाएगी बताइए? हाँ, कैसे बेईमानी? अब तक बेईमानी नहीं, अभी नहीं हो रही। अगर बैलेट पेपर से हो जाइए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत क्या? बहुत सारे विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, उसको हैक किया जा सकता है। समस्या एक बात की है कि जहाँ से ये ईवीएम मशीन प्रोडक्ट बनी है उस देश में बाइंड हो गई है, अब बैलेट से चुनाव हो रहा है, तो बताइए जब उस देश को विश्वास नहीं है तो यहाँ के लोगों को कैसे विश्वास होगा? आपके हिसाब से बैलेट सोचने? हाँ, बैलेट पेपर से। अच्छा, मानते हैं आप कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या गड़बड़ी हो किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है, ये तो विपक्ष जानता है। चुनाव आने वाला ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर? चुनाव ही नहीं होना चाहिए। चुनाव नहीं होना चाहिए? इन्होंने बड़ी अलग बात बता दी, क्यों चुनाव नहीं? सब भ्रष्टाचारी है, नेता जितने सब भ्रष्ट है। नहीं, मोदी जी तो बड़े ईमानदार है, जनता की बात। ईमानदार है, बाकी तो सब भ्रष्ट है। बाकी भ्रष्ट नजर में सब भ्रष्ट है, मोदी छोड़ के सब भ्रष्ट है इनकी नजर में। या, बस। लेकिन बता रहे बीजेपी वाले ईवीएम को हैक करके जीत जाते हैं। जब बन सकता है तो हैंग भी हो सकता है। हैंग हो सकता है? बिल्कुल। वॉलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से क्यों नहीं? आप भी मानते हैं कि हैक किया जा सकता है? बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें हैंग कर लेते हैं। हाँ। तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपका मानना क्या है? हमारा मानना बैलेट पेपर से हो, निष्पक्ष हो एकदम। बैलेट पेपर से। ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? अरे वहाँ धांधली होती, चोरी होती है। मतलब आप भी मानते हैं धांधली और चोरी होती है? हाँ, चोरी होती है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों की ये मांग उठ रही है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से जो चुनाव है वो होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली हो सकती है या गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? चाहे जाए सो ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से, जीते को नहीं मोदी के अलावा।
मोदी के अलावा कोई नहीं जीते, चाहे जिससे चुनाव हो, चाहे जिससे चुनाव हो। क्यों सोच रहे हैं? वो सब कर रहा है, इसी बात पर क्या काम उसने नहीं किया? बैलेट पेपर होके ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? ईवीएम से नहीं होना चाहिए, ईवीएम में गद्दारी हो जाती है, इधर उधर गद्दारी हो जाती है। हाँ हो जाती है। की क्या मांगे? हमारा उससे बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर। लखनऊ की दुबग्गा मंडी में हम मौजूद थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे, उनकी राय ले रहे थे कि 24 का चुनाव भी नजदीक है। जिस तरह से ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष के जो नेता है वो मांग उठा रहे हैं कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, इसी पर चर्चा कर रहे थे। ज्यादातर जो लोगों के बीच से ये बात निकल कर आई है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे, बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज।